हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू डेली एनालिसिस वीडियो। हम लोग बात करने वाले कि कल के सेशन में मार्केट कहाँ पे मोमेंटम दे सकता है और किस किस स्टॉक में हम लोग अपने ट्रेड प्लान बना सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर चलने वाले थ्री इंट्राडे स्टॉक्स कलर ट्रेडिंग सेशन के, तो मेक श्योर ये आप लोग वीडियो को इंटरेस्ट जरूर देखें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं निफ्टी के एनालिसिस साथ में। गाइस आज के सेशन की अगर हम लोग पहले बात करें तो गाइस आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, अगर आप लोग देखें मॉर्निंग के सेशन में अपसाइड मोमेंटम डाउन साइड मोमेंटम, मतलब आज का दिन हमारे लिए या फिर मैं कहूँ इंटरडे ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हमें ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम चाहिए होता है वो गाइस हमें देखने के लिए मिला था। कल के दिन पे बहुत ज़्यादा साइडवेज था, कहीं से कहीं तक कोई भी मोमेंटम नहीं आ रहा था। आज के दिन पर गाइस हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिला। अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें निफ्टी के अंदर, तो आप लोग देखेंगे ओपनिंग के साथ में इसने नीचे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट करा, अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। लोग रिवर्सल पे या फिर मैं कहूँ रिस्की प्लस रिवर्सल पर ट्रेड लेते हैं, सेफ प्लस ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं। गाइस ब्रेकआउट आया हाई के ऊपर एंट्री, नेक्स्ट लेवल आप लोगों का टारगेट वो गाइस हम लोगों को आसानी से अचीव हुआ। पहला टारगेट गाइस यहाँ पे हमें अचीव होता नजर आ, और आप लोग देख रहे हैं हमारी लेवल से गाइस आप लोग रिस्पेक्ट देख सकते हैं, एक्जैक्टली उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ, फिर डाउन साइड आया और नीचे की तरफ हम लोगों को एक और ट्रेड पॉइंट दिखाया। आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को हायर आई की फॉर्मेशन दिखाने के लिए कुछ ना कुछ नीचे की साइड आना होता है। यहाँ पे हमें मिली एक इनसाइड कैंडल और साथ में बुलिश कैंडल भी मिली, उसके बाद आपको देख यहाँ पे बुलिश कैंडल भी हमें देखने मिली। इस टाइप का गाइस एंट्री ये बनना था हम लोगों का आसानी से टारगेट, और गाइस ये टारगेट भी हम लोग कुछ ही कैंडलों के अंदर अचीव। नेक्स्ट ट्रेड प्लान की अगर मैं बात करूँ तो गाइस वो बनना था हमारा एसवाई यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था कि निफ्टी ने जो है बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाया। आप लोग देख रहे हैं हमारी नेक्स्ट लेवल बनता टारगेट वो भी गाइस हम लोगों को अचीव हो गया। और क्या चाहिए गाइस आप लोगों को, अभी तो ट्रेड खत्म नहीं हुआ, अभी तो और रुकी। अभी आप देखिए यहाँ से अपसाइड जाने के बाद इसने कौन सा पैटर्न बनाया है जिससे हम लोग कहते हैं एम पैटर्न। एम पैटर्न बनता है हमारे अपसाइड पे, या फिर मैं कहूँ डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप लेवल हम लोग कह सकते हैं। वैसे हम लोग इसको एम पैटर्न कंसीडर करेंगे। ये बना एम पैटर्न, क्या आया लेवल का ब्रेकडाउन, साथ साथ में हमारी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन का इस मोमेंटम देखिए तुरंत हम लोगों का स्टार्ट मिलता है अचीव हुआ। ये मोमेंटम नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना मोमेंटम भी अगर आप लोगों ने ले लिया बहुत है। हर कोई बिल्कुल टॉप से बॉटम तक नहीं ले जा पाता। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ का एसेट डाल के, और ये मोमेंटम भी आप लोगों ने कैप्चर कर लिया गाइस बहुत है, और आप लोग बड़े दिन के साथ में निकले। मतलब हम लोग के गाइस चार पांच ट्रेड बने और गाइस सब में टारे। और क्या चाहिए आप लोगों को, तो गाइस मेक श्योर कर लीजिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने नहीं करा। अब हम लोग एक बार कल के सेशन के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम दिखा। ऐसे तो मोमेंटम बहुत अच्छा रखा है, तो आप ट्रेड सेफली करिए क्योंकि हम लोगों ने आज के दिन में बहुत बढ़िया प्रॉफिट कैप्चर कर लिया। अगर आप कल के सेशन में अपने प्रीवियस जो लोगों को ब्रेकडाउन दिखाता है तो हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए। याद रखिए नीचे की साइड में एक छोटा हडल आ रहा है 17,016 पर, ये बन जाएगा हम लोगों का आसानी से टारगेट। तो ये हर्डल आप लोग टारगेट ले सकते हैं, तो जरूर यहाँ पर ट्रेड में बनेगा, वरना आप लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। ये बनेगा टारगेट, उसके बाद जैसी फॉलो अप के साथ में इसका भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए हम लोग और क्वान्टिटी एड ऑन कर सकते हैं, और 16,980 हम लोग आसानी से टेस्ट होता हुआ निफ्टी नजर आ सकता है डाउन साइड के लिए। और गाइस अगर मैं बात करूँ अपसाइड के लिए, तो हम लोग इस वाली ट्रेडिंग शूट डिलीट कर देते हैं, बात कर लेते हैं अपसाइड के लिए। तो अपसाइड अगर हम निफ्टी यहाँ से रिवर्स होता है, यहाँ वाली लेवल क्रॉस आउट करता है 17,120, तो हम लोग यहाँ से बाई साइड के लिए ज़रूर जा सकते हैं, और वही हम लोग की ये वाई लेवल जो है आसानी से टारगेट बन जाएगी जो है 17,160। आई होप गाइस निफ्टी का व्यू एकदम ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। गाइस आज के सेशन में गाइस बढ़िया प्रॉफिट आप लोगों ने भी कैप्चर करा होगा। सिंपल से एनालिसिस आप लोगों को डेली वीडियो मिलता है गाइस। मेरे से को कल क्वेरी भी आई थी, अपने को कमेंट भी आया था कि लेवल्स हम लोग कैसे ड्राउट कर सकते हैं, तो वो गाइस आप लोग लेवल डेली में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। आप लोगों को आना है बस लेवल्स को देखना, और आप लोग अपने चार्ट में ड्राउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। यहाँ पे आप लोगों को सारे लेवल्स फ्री में देखने के लिए मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को निफ्टी का एनालिसिस एकदम ही क्लियरली समझ में आ गया होगा, और गाइस समझ में आ गया तो मेक श्योर कर लीजिएगा आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा गया, तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वेबसाइट को शेयर करना चाहूँगा जिसका नाम है चार्ट प्राइम। और चार्ट प्राइम जो है यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग व्यू के, जो यहाँ पे हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जैसे आप लोग स्क्रीन पर वॉच आउट कर सकते हैं इनके थ्रू गाइस, और या फिर मैं कहूँ इनके थ्रू डेवलप्ड इंडिकेटर्स यहाँ पे सिक्स हमें वॉच आउट हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमें न्यूली एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एडिट इंडिकेटर देखने के लिए मिल रहा है जिसका नाम है सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर मैं कहूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर। यहाँ पे गाइस हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी भरी आ जाती है, जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन से टाइम फ्रेम की कौन सी बेस्ट लेवल है, कौन सी ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सी थोड़ी सी वीक है। तो इस वेबसाइट के थ्रू ये सारे इंडिकेटर्स प्रोवाइडेड हैं, इसका लिंक गाइज आप लोग डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आगे आप लोग वॉचआउट जरूर से कर सकते हैं। और गाइज अगर आप लोग नीचे जो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से वॉचआउट करते हैं, तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 30% ऑफ आप लोगों को वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
तो फटाफट से जाइए, इंतजार किस बात का, 30% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करिए और आप लोगों को सीधे 30% ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस हमें टेस्टिमोनियल्स या फिर मैं कहूँ कुछ रिव्यूज भी प्रोवाइडेड हैं, जिनको जाके आप लोग रीड जरूर से करें। यहाँ पे गाइस सारे जेन्युइन रिव्यूज हैं, यहाँ पे खुद लोगों ने पर्सनली प्रोवाइडेड है, तो इन वाले रिव्यूज को आप लोग वॉचआउट जरूर से कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग चाहें तो इनके प्लान को ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को इंडिकेटर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये प्लान सारे जानने के लिए लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आगे आप लोग इस वेबसाइट को जरूर से वॉचआउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। बैंक निफ्टी को भी हम लोग पहले आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल के सेशन का मोमेंटम आ सकता है। बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वाला मोमेंटम लिया है, आप लोग देखेंगे। मॉर्निंग के सेशन में ओपनिंग के साथ में कंसोलिडेशन था और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने गाइस यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड में बनाया होगा, पूरी उम्मीद है यहाँ पर सेल साइड पर। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा उनका एसेल हिट हुआ, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर इनका एसेल हिट हो गया। मैंने गाइस यहाँ पर पर्सनली कोई भी ट्रेड में नहीं बनाया, तो जिन जिन लोगों ने बनाया उनका यहाँ पर एसेल हिट हुआ। फिर आप लोग देखेंगे ब्रेकआउट आए, यहाँ पर बनी हमारी एंट्री, ये मिला गाइस हम लोग टारगेट। डाउन साइड आया, फिर अपसाइड गया और इसने यहाँ पे दिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट दिखाने के बाद गाइस एक्जैक्टली टारगेट तक नहीं है, पर 40,200 जो हमारे राउंड लेवल है और एक्जैक्टली इसने वहाँ से रिवर्सल दिखाया। तो ये भी गाइस हम लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि गाइस हम लोगों को पता था 40,200 इंपॉर्टेंट लेवल होती है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम लोगों को ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना है। तो एक में हम लोगों को टारगेट हिट हुआ और एक को हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग ट्रेड देखेंगे गाइस, सिंपल सा ब्रेक डाउन का ट्रेड पे यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला ब्रेकडाउन, साथ साथ में हमारी इंपॉर्टेंट लेवल भी क्रॉस हो गई जिन जिन लोगों ने ऊपर एंट्री नहीं ली। ऐसे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं आया, पर जिन जिन लोगों ने खाली लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लिया तो उनकी एंट्री बनी। यहाँ यहाँ पे जाना था शॉर्ट साइड के लिए, लोगों पर एंट्री लें, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, बहुत बड़े एसएल की जरूरत नहीं, इतना एसएल ही काफ़ी। और फिर आप लोग गाइस मोमेंटम देख सकते हैं, 1:3 का इस मोमेंटम बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर देखने के मिल गया। और जैसा मैंने निफ्टी में भी कहा था, ये मोमेंटम मिस हो गया तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने वाले टाइम में बहुत मोमेंटम मिलते रहेंगे, तो ऐसे सच उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों ने इतना मोमेंटम भी ले लिया तो बहुत, और आप लोग एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन चुके हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने इन लेवल्स के हिसाब से बढ़िया ट्रेड पैटर्न बनाया, तो इसमें भी आप लोग देखेंगे हमें बेहतरीन वाला कौन सा पैटर्न, एम पैटर्न कह लूँ या फिर मैं कह लूँ डबल टॉप पैटर्न हमें देखने मिला, उसका ब्रेकडाउन आया और गाइस बढ़िया हम लोग शॉर्ट साइड के ट्रेड पैटर्न में गए और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड आउट हो गई। ये सारा गाइस मैं आप लोगों को अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फटाफट से जिन लोगों ने अब तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा, जाके गाइस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के गाइस जो भी ट्रेड पैन था उनका क्या क्या अपडेट था वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सारा का सारा दे दूंगा, फटाफट से आके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। निफ्टी का अपडेट जो मैं आप लोगों से कह रहा था वो देख सकते हैं आप लोग, मैंने आप लोग उसका अपडेट दिया होगा। टारगेट किस किस में आया, कहाँ कहाँ पे था हमारे ट्रेड पैन, तो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो का सारा अपडेट वहाँ पे डाल दूंगा, तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर अब बात कर लें हम लोग कल के सेशन के लिए, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा शार्प सेल ऑफ आया हुआ है, तो कल के सेशन में थोड़ा सा देख के आप लोग अपने ट्रेड में बनाएं कि बहुत तेज़ी से सेल ऑफ आया है, मतलब मोमेंटम बहुत तेज आया हुआ है। तो अगर अब कल के सेशन में फ्लैट ओपनिंग दिखाता है, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट होता है, नीचे की साइड होता है और ब्रेकडाउन दिखाता है हमारी ट्रेंड लाइन का और 39,400 वाले लेवल का, हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए 39,300 पहले टारगेट और 39,240 बन जाएगा हम लोग आसानी से दूसरा और लास्ट टारगेट डाउन साइड बैंक निफ्टी का। बात रही रिवर्सल की, तो अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है हमारी ट्रेंड लाइन से और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल से, तो गाइस बहुत अच्छी बात है, यहाँ से रिवर्सल ट्रेड पैटर्न भी बना सकते हैं हम लोग और 39,600 बहुत ही आसानी से अचीवेबल टारगेट हमारा बन जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को बैंक निफ्टी का व्यू एकदम ही क्लियर हो गया। और क्लोजिंग प्राइस गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारा प्रीवियस लो भी यहीं पर है और क्लोजिंग प्राइस भी यहीं पर, ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बन जाएगा हम लोग आसानी से टारगेट। ट्रेंड लाइन की बात रही तो वो मैंने आप लोग वैसे कल के सेशन में कह दी थी, पर आप लोग अगेन से देख सकते हैं दो टच गाइस ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर हमारी ट्रेंड लाइन कंफर्म हो चुकी है। तो अगर अब तीसरा टच आता है तो यहाँ से मोमेंटम आने की चांसेस बनी रहेंगी, तो ध्यान रखिएगा इस वाली ट्रेंड लाइन को और ज़रूर से अपने चार्ट पे फटाफट से मार्क कर लीजिएगा। डाउन साइड की बात हो गई, रिवर्सल की बात हो गई, अगर अब यहाँ से अपसाइड जाता है तो गाइस यहाँ पे देखिए तुरंत बाई साइड का ट्रेडमेंट बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो जो लोग रिस्की प्राइस हैं वो लोग ट्रेड बना सकते हैं। 39,760 छोटा डाले ये बन जाएगा हम लोग का साइंस ट्रेड और 850 तक भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। सेफ प्लेयर्स मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड पैन ना बनाए, सेफ प्लेयर्स हैं तो वो लोग इंतजार करें कि मार्केट जब कंडीशन के साथ ब्रेकआउट है तो आप लोग जरूर ट्रेड पैन बना सकते हैं बाई साइड का 39,840 के ऊपर और 39,950 बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाएगा पहले टारगेट और 40,000 आप लोग दूसरा और लास्ट टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। आई होप गाइस ये चीज़ भी क्लियर है। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस गाइस क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इस मज़ा आ रहा होगा, देखिए आप लोगों को मज़ा आना चाहिए ओवरऑल और प्रॉफिट होना चाहिए। गाइस प्रॉफिट हो रहा है मुझे पता है कि जो मैं आप लोग लेवल दे रहा हूँ वो आप लोगों को परफेक्टली वर्क करके दिखा रही है, और क्या चाहिए आप लोगों को, लेवल सारी वर्क कर रही है
आप लोग बस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो भाई मेक श्योर करिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ऐसी लेवल्स का इसको भी प्रोवाइड नहीं करता आप लोगों को, सब कहते हैं कि फ्री की लेवल्स बेकार होते हैं गाइस, यहाँ पे आप लोगों को पेड वाली लेवल्स समझ के इनको ट्रेड करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल पेड वाला ही मजा आएगा, और होगा कैसा वो फ्री में, तो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे फ्री मिलता है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने शेयर भी कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी ऐसी बेहतरीन वाली वीडियो मिलती रहे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद कल के सेशन के लिए बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक रहने वाला हमारा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को भी अगर हम लोग वॉचआउट कर लेते हैं मर्ची चार्ट पे, तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है इधर अपसाइड और डाउन साइड, हम लोग जाएंगे बाई साइड के ब्रेकआउट पे, ब्रेक डाउन पे प्रीवियस लो के नीचे आएंगे हम लोग शॉर्ट साइड के। टारगेट लेवल्स में आप लोग बता देता हूँ, शॉर्ट साइड की पहला टारगेट 221.2 और दूसरा और लास्ट टारगेट आप लोग 220.8 तक का कंसीडर कर सकते हैं। अपसाइड पे ब्रेकआउट के बाद पहला टारगेट 224 बन जाएगा और लास्ट टारगेट 224.5। याद रखिएगा इस वाले एरिया को अगर ये क्रॉस करता है तो बड़ा मोमेंटम आने की चांसेस बनी रह सकती हैं पावर ग्रिड के अंदर, क्योंकि स्टॉक को गाइस हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर मैं कॉन्सेंट्रेटेड आइडिया में भी शेयर करूँगा। सेकेंड इंटरडे स्टॉक से नवा लगा हमारा कैनफिन होम्स। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इस वाली ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से टेस्ट करता हुआ अपसाइड में आ रहा था, याद आप लोग देखिए यहाँ पे इसने फोर्थ बार भी टेस्ट करा, मतलब चार बार ट्रेंड लाइन टेस्ट होने के बाद डे एंड आते आते इसने इसका दिखा दिया ब्रेक डाउन। इस ब्रेक डाउन तो आ रखा है, पर अगर मैं आप लोगों को दूसरे ढंग से बाद में दिखाऊँ, पहले हम लोग बात कर लें अगर शॉर्ट साइड के लिए हमें जाना है तो इस वाले से लो या फिर 536.8 इसके ब्रेक डाउन पे आएंगे हम लोग शॉर्ट साइड के लिए, बल्कि 536 के नीचे आएंगे हम लोग शॉर्ट साइड के लिए। और गाइस आसानी से हम लोग बड़ा टारगेट 529.25 तक का एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। बड़ा टारगेट क्यों, क्योंकि अगर हम लोग उसको परसेंटेज वाइज देखेंगे वाइस 1.2% का मोमेंटम है, तो ज़रूर से आप लोग इसमें ट्रेड पे बना सकते हैं। सेफ प्लेयर्स हैं तो अपने हिसाब से पहले भी प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर ट्रेलिंग एसएल को मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। बात रही गाइस अपसाइड की, तो स्टॉक को वाइज हम लोग अपसाइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको आप लोग थोड़े दूसरे एंगल से दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये बन रहा है हमारा कौन सा पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये वाई लेवल्स गाइस आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी और फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप लोग, अगर नहीं करा तो वीडियो पीछे करके फटाफट से देख लीजिए। अब हमारे यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन गया, ये बन गया गाइस हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अगर अब यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हम लोग बाई साइड के लिए भी गाइस जा सकते हैं, बस दिक्कत वाली बात है यहाँ पे हर्डल गाइस काफ़ी ज़्यादा है। 545 के ऊपर आप लोग जाएंगे बाई साइड के लिए, 549 गाइस आसानी से बहुत ही ज़्यादा आसानी से टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज भी चेकआउट करूँगा तो परसेंटेज वाइज हमें यहाँ पे अराउंड 0.65% के आसपास का हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग अपसाइड का टारगेट। और डाउन साइड पर तो वाइज हमारा सेम व्यू है, इस वाई लेवल के नीचे जाएंगे हम लोग शॉर्ट साइड के लिए, उस लेवल को मैं वापस कहता हूँ क्योंकि हमारा ब्रेक डाउन आ रखा है, और ब्रेक डाउन आएगा तो हम लोग एक शॉर्ट साइड का बढ़िया ट्रीटमेंट बना सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने थर्ड और लास्ट इंटरडे स्टॉक की, जिसमें आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जैसी फॉर्मेशन नजर आ रही है, या फिर मैं कहूँ अगर हम लोग अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन को अगर आप यहाँ से अगर हटा दें, ये बन गया हमारा कौन सा पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब कल के सेशन में गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल है, आप लोग देख सकते हैं सामने सामने आप लोगों के सामने बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेवल है 583.5। तो गाइस ये ब्रेकआउट दिखाता है तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, हम लोग जाएंगे गाइस यहाँ से बाई साइड के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से गाइस टारगेट 585.8 गाइस बहुत अच्छे से हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। सेकेंड टारगेट आप लोग 589 तक का भी रख सकते हैं, पर अगर मैं आप लोगों को परसेंटेज वाइज देखूँ तो पहले टारगेट गाइस 0.4% का, दूसरा टारगेट गाइस हमें 1% के आसपास का देखने के लिए मिल रहा है। तो बड़ा टारगेट है तो ध्यान रखिएगा ट्रेलिंग के साथ मेंटेन करें, पहला टारगेट तो बहुत ज़्यादा आसानी से अचीव हो जाए, दूसरे टारगेट पर जरूर से अपना ध्यान रखें फोकसली अपने ट्रेलिंग एसएल को मेंटेन करें। बात कर लें अगर हम लोग शॉर्ट साइड की, तो ब्रेकडाउन में हम लोग शॉर्ट साइड के लिए भी जा सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से, 578 के नीचे आएंगे हम लोग शॉर्ट साइड के लिए बहुत आसानी से टारगेट 575.5 देखने के लिए मिल जाएगा। और टारगेट का इसी या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड मैच ना हो, 1:1 से भी कमा रहा हूँ, आप लोग 573.7 ले सकते हैं दूसरा और लास्ट टारगेट। ऐसे याद रखिए यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड पहले टारगेट पे मैच हो जा रहा हो तो ध्यान से अपनी फुल प्रॉफिट बुकिंग आप लोग कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को तीनों इंटरडे स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली सन में आ गया होगा, और गाइस सन में आ गया हो वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोगों ने गाइस प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हो हमारी वीडियो के थ्रू, लेवल्स आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो मेक श्योर करा करिए गाइस आप लोग वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक वाला बटन को, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया था तो गाइस इंतजार किस बात का, फटाफट से सब्सक्राइब करिए जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा, और अपने फ्रेंड्स सामने शेयर करिए जिससे और लोगों को भी ऐसी बेहतरीन वाली लेवल्स देखने के लिए मिल पाए। स्टॉक मार्केट में जो अफवाह फैलाई जाने की फ्री की चीज़ बेकार होती है, वो सब की सब हम लोग यहाँ पे फेल करने के लिए आए हैं, तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स सामने शेयर भी कर दीजिए।
अब मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।